ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार इन दिनों दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। सागर धनखड़ मामले में सुशील कुमार लगातार फंसते ही जा रहे हैं। हाल ही में खबरों के मुताबिक सामने आया है कि सुशील कुमार एक और बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। सुशील कुमार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। दरअसल जो खबर सामने आई है वो खबर सुशील कुमार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। सुशील कुमार को अब एक और बड़ा झटका लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, खबरों के मुताबिक सामने आया है कि हाल ही में सुशील कुमार के एक करीबी दोस्त ने, जिनका नाम है प्रिंस, जो कि सागर धनखड़ मामले में सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो चुके हैं, ऐसे में देखा जाए तो सुशील कुमार की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं और भी कई राज खुलने वाले हैं इस मामले को लेकर। दरअसल प्रिंस सागर छत्रपाल स्टेडियम में विवाद के दौरान वहीं पर मौजूद थे। वहीं हाल ही में पुलिस के हवाले से ये जानकारी मिली है। पुलिस ने बताया है कि पहलवान सुशील कुमार और अजय प्रिंस सोनू, सागर राणा, अमित और उनके कई दोस्तों के बीच 4 मई की रात को छत्रपाल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में मारपीट हुई थी। सुशील ने प्रिंस से मारपीट का वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही और ये वीडियो लगातार वायरल होती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो को पुलिस ने बरामद कर लिया है और देखा जाए तो पुलिस लगातार इस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। वेल, बताना चाहेंगे आप सभी को कि 23 मई के दिन दिल्ली के मुडंगा इलाके से सुशील कुमार और उनके सहयोगी बकरवाला को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की कोर्ट ने सुशील को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था और 4 मई को एक फ्लैट खाली कराने को लेकर पहलवानों के दो गुटों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके चलते सागर धनखड़ का निधन हो गया और इस मामले में अब बुरी तरह से फंस चुके हैं सुशील कुमार। सुशील कुमार से जुड़ी लगातार कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और इस तरह से सुशील कुमार से जुड़ी ऐसी कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।